भगवती पार्वती स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। पार्वती जी उन्हें देखकर लजा गई। अपनी प्रिय सखी जया विजया के कहने पर उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुरुष का निर्माण किया। वह देखने में परम सुंदर तथा बल पराक्रम से संपन्न था। पार्वती जी ने उसे नाना प्रकार के आभूषण और आशीर्वाद दिए। उन्होंने उससे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है, आज से तुम मेरे द्वारपाल हुए। पुत्र, मेरी आज्ञा के विरुद्ध कोई भी मेरे महल में प्रवेश न करने पाए। ऐसा कहकर भगवती पार्वती ने गणेश जी के हाथ में एक छड़ी दे दी। महावीर गणेश हाथ में छड़ी लेकर पहरा देने लगे। उधर पार्वती जी सखियों के साथ स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शिव दरवाजे पर आ पहुंचे। पार्वती जी के पुत्र गणेश से वे अपरिचित थे। शिव ने अपना
तक कटकर दूर जा गिरा। यह समाचार सुनकर पार्वती जी शोक से व्याकुल हो गई और कुपित होकर उन्होंने अनंत शक्तियों को पैदा किया। शक्तियों ने उनकी आज्ञा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करना शुरू कर दिया। देवता और ऋषिगण भय से थर्रा उठे। व्याकुल होकर सभी ने पार्वती जी की स्तुति की। भगवती पार्वती ने कहा, यह प्रलय तभी बंद होगा जब मेरा पुत्र जीवित हो जाए और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाए। भगवान शिव के आदेश से उत्तर दिशा से हाथी का सिर काट कर लाया गया और उसे गणेश जी के मस्तक के स्थान पर जोड़ दिया। Thank you.